आम लोगों के लिए आज से मोबाइल फोन पर बात करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो गया है। आज यानी कि 3 दिसंबर है और आज से ही मोबाइल फोन की सेवाएं देने वाली कंपनियों ने नए रेट लागू हो गए हैं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ में 15% से 40% की बढ़ोतरी कर दी है। नया रेट आज से लागू हो गया है, जबकि जियो का नया प्लान 6 दिसंबर से लागू होगा। नए प्लान का असर प्रीपेड ग्राहकों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि अब छोटे से छोटा प्लान लेने के लिए भी ज्यादा कीमत आपको चुकानी होगी। साथ इंटरनेट का इस्तेमाल भी महंगा हो गया है और मुफ्त में फोन पर बात करने की सुविधा भी अब खत्म हो गई है। सस्ता डाटा भूल जाइए, सस्ती कॉल भी सोचिए ही मत, क्योंकि अब आपका मोबाइल बिल महंगा हो चुका है। मोबाइल कंपनियों ने टैरिफ प्लान बदल दिया है। मुफ्त में मोबाइल पर बातें करने का दौर खत्म। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी। आज से मोबाइल बिल 40% तक महंगा। मोबाइल फोन के साथ ज्यादा वक्त बिताने की आदत में अब आपको सुधार लाना होगा। फ्री में घंटों बातचीत करने का दौर भी अब खत्म हो गया है। इंटरनेट हो या फोन कॉल, आज से सब महंगा हो गया है। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हैं, जबकि रिलायंस जियो 6 दिसंबर से कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ प्रीपेड ग्राहकों के लिए टैरिफ रेट बढ़ाए हैं, जो उनके कुल यूजर के 90% से ज्यादा है। मैं शुरू से ही मेरा विचार रहा है कि हमारी एक इंडिया में एक हैबिट पड़ गई है ना कि एवरीथिंग फ्री में मिले या लिस्ट ऐसे मिले, वो ठीक नहीं है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी की इनकम हाई है, तो दे डोंट लाइक, इट डजंट मैटर टू देम। बट इफ पीपल लाइक जिनका इनकम मिड लेवल का होता है, लाइक बिटवीन 20-25 or 30, तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज समवेयर वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मोबाइल राइट नाउ। आज वो छोटे बिजनेसमैन जिनकी अपनी कोई परमानेंट दुकान नहीं है, वो भी फ़ोन के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, जैसे कारपेंटर हुआ या कोई इलेक्ट्रीशियन है। लेकिन अगर फ़ोन कॉल के रेट फिर से आसमान छूने लगेंगे तो लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, ये तो पक्की बात है। डेफिनेटली कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम तो होगी। अभी जो बजट है ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज़ हो गया रेट, तो इसमें जो रेट इंक्रीज़ हुए हैं तो इसको कहीं ना कहीं हमें अपने बजट से एडजस्ट करना पड़ेगा। इन कंपनियों ने 2016 के बाद पहली बार टैरिफ महंगे करने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि ये भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी है। ये तो रेगुलेटर को देखना भी है कि जो टैरिफ पहले थी फोर बोर्न कंडीशन के नीचे तहत, वो क्या बहुत ज्यादा गिरा दी गई थी कॉम्पिटिशन को देखते हुए, या अब जो टैरिफ है वो बढ़ाई जो गई है 40% जो अखबार में देखने को आया, या वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। रिलायंस जियो ने जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज लगाया है। अब वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने भी ऐसा ही किया है। दोनों कंपनियों ने अपने अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान के साथ फेयर यूसेज पॉलिसी पेश की है। इसके तहत दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए अब लिमिट तय कर दी गई है। तय लिमिट के बाद दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 6 पैसे प्रति मिनट देने होंगे। टैरिफ में बढ़ोतरी के चलते करीब 100 करोड़ मोबाइल ग्राहक प्रभावित होंगे। महंगे टैरिफ रेट में मोबाइल फोन सेवाएं सुधर सकेंगी। कॉल ड्रॉप की समस्या कितनी बड़ी है और कंपनियां कैसे इसको अनदेखा करती आ रही हैं, रेड मैंगो एनालिटिक्स की रिपोर्ट बखूबी बयां करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप भारत में होती है। हमारे देश में कॉल ड्रॉप की दर 4.73% है, वहीं ग्लोबल कॉल ड्रॉप रेट 3% है, जबकि ट्राई ने कॉल ड्रॉप की औसत स्वीकार्य दर 2% तय की है। जानकार बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर 90,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। नुकसान किसी का भी हो, खामियाजा हमेशा आम जनता को ही उठाना पड़ता है। हर बार जेब जनता की ही कटती है।
तो आज से आपको बजट का बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको फोन इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।